हेलो फ्रेंड, मेरे खादली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिका। ये फ्रेंड, मैं अपने प्लांटों को जो मैंने कटिंग से ग्रो किए उनको रिपोर्ट कर रही हूँ। कोलियस के कोलियस भी है, पर्पल हार्ट भी है, जो भी है मैं सभी को रिपोर्ट कर दूँगी। जितने होंगे प्लांटर मेरे पास खाली, उन्होंने ये मैंने कोलियस की कटिंग निकाल ली है। ये भी मैंने सब कटिंग से ही ग्रो किए हैं। और फ्रेंड, मैंने इसकी मिट्टी आपको बताई थी वेल्डन भी बनानी चाहिए कि जो इसका पानी निकल जाए आसानी से, क्योंकि इसमें पानी रुक जाता है कोलियस में तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसमें पौधे में पानी नहीं रुकना चाहिए। तो इसके हॉल जो होते हैं उसको अच्छे से बनाएं और ज़्यादा उसको कुछ पत्थर वगैरह ज़्यादा ना लगाएं उसमें। कई बार पत्थरों से मिट्टी फंस के उसमें पानी नहीं निकल पाता है, तो इसलिए हमारे प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। ये सब फ्रेंड देखो कितना अच्छा कलर आया है कोलियस का। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, जब मैंने लगाया था ये बिल्कुल ग्रीन कलर का था, और अब देखो इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि इन प्लांटों का सीजन आ रहा है। तो इसलिए फ्रेंड मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। फ्रेंड, ये मैंने मदर प्लांट से बनाया है, इसके मेरे मदर प्लांट ख़राब हो गए हैं, ख़राब हो गए। ये फ्रेंड मैंने राखी पे अपने घर गई थी, वहाँ से लेके आई थी ये तीन कटिंग, तीनों ही अच्छी चल गई हैं, और मैं तीनों को अलग अलग ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोलियस का मदर प्लांट कोई भी नहीं है, यही है मेरे पास, और अभी मैंने नर्सरी से भी नहीं ख़रीदे। फिर भी मेरे पास 7-8 हो ही जाएंगे अगर ये अच्छे से चल जाएंगे। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से इन सबको लगा लेती हूँ। ये फ्रेंड मैंने लगा लिया इसमें, ये स्पाइडर प्लांट। फ्रेंड ये भी बहुत महीने हो गए इसको, 5-6 महीने से इसके रूट बाउंड हो गया है। तो मैं इसको जो मैंने ये पेप्सी की बोतलें वगैरह पेंट की है इसी में ही लगाऊंगी। इसकी जड़ें देखो कितनी सारी हैं, इसकी हल्की हल्की जड़ें हटा दूं, क्योंकि रूट बिल्कुल बाउंड हो गया है और इस ये अभी बढ़ नहीं रहा था। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से इसको लगा रही हूँ, और लगाने के बाद फ्रेंड मैं इसको छाया वाली जगह में ही रखूँगी 10 दिन। ये पर्पल हार्ट ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। फ्रेंड मैं अपने प्लांटों की कोई भी कटिंग करती हूँ इधर उधर लगा ही देती हूँ, मैं फेंकती बहुत कम हूँ, इसलिए मेरे पास एक जैसे प्लांट बहुत सारे मिल जाएंगे और फ्री के। अधिकतर मेरे प्लांट मेरे ही गार्डन के बने हुए होंगे। लगने के बाद भी फ्रेंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वेंडरिंग जू ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ये आसानी से चलने वाले ही प्लांट हैं, इनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा भी नहीं कि सीज़न चेंज होगा तो इसके कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये परमानेंट से ही प्लांट हैं और बहुत छोटे छोटे पोटों में भी लग जाते हैं ये। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड फुल वॉच किया करें, ये मेरा 1000 मदर प्लांट का बेबी प्लांट है। और मेरे पास इसके बेबी प्लांट बहुत सारे हो गए हैं,
अभी लगने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हमारी ये बोतलें वगैरह ज़्यादातर बेकार ही जाती हैं, हम डस्टबिन में ही फेंकते हैं, इसलिए अपने छोटे छोटे पोटो बना के हम प्लांट लगा सकते हैं। अब मैं इनमें पानी डाल के इनको छाया वाली जगह में ही रखूँगी। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।